Mr. Narendra Kumar Kashyap. Thank you, sir. Education development देश की जरूरत है और सरकार की प्राथमिकता. मैं ये महसूस करता हूं कि इस संशोधन विधेयक को लाकर सरकार ने कुछ ना कुछ गंभीरता एजुकेशन के विकास के लिए जरूर दर्शित की है. चूंकि विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे एजुकेशन विकास का जो मकसद है ये बहुत जरूरी है और मुझे आज प्रसन्नता है इस बात को लेकर कि महात्मा ज्योतिबा फूले एक गरीब परिवार से संबंध रखने वाले महापुरुष ने उस युग में एजुकेशन को प्राथमिकता दी जबकि स्कूलों की स्थापना करना ही अपने आप में कठिन कार्य था. और आज हमें प्रशंसा करनी है परम पूज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जिन्होंने शिक्षित बनो के नारे को उद्धृत करते हुए संपूर्ण भारतवर्ष को यह संदेश दिया था कि अगर समृद्ध भारत की कल्पना भारतीय लोकतंत्र की सरकारें चाहती हैं करना चाहती हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं एजुकेशन को विकास की दृष्टि से देखना पड़ेगा. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में महोदय एजुकेशन को मौलिक अधिकार के साथ इसलिए जोड़ा गया था कि हर भारतीय को कम से कम पढ़ने का हक मिले ताकि विकास समृद्धि खुशहाली की नींव हमारे देश में मजबूत हो सके. महोदय केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार की स्थापना देर से उठाया गया अच्छा कदम है. हमारी ये चाहत है सदन की ये चाहत है कि केवल एक विश्वविद्यालय बिहार में स्थापित करने से शायद समस्त छात्रों को सुविधाएं मिलने वाली नहीं है. इसको और भी हमें आगे ले जाना चाहिए. नाम क्या रखेंगे यह आपका विषय है, इस पर हम ऐतराज नहीं करना चाहते. लेकिन हमारे जेडीयू के साथी ने तथागत गौतम बुद्ध के नाम को नामित करने का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा है. मैं उसका समर्थन करता हूं. मैत्री और करुणा के सागर बाबा तथागत गौतम बुद्ध उनकी धरती उनका विचार सर्वमान्य है. अगर उनके नाम से भी विश्वविद्यालय को नामित किया जाए तो मैं समझता हूं कि ये आने वाले छात्रों को आने वाले लोगों के लिए एक बेहतर संदेश भी हो सकता है. महोदय एजुकेशन केवल सेंटर यूनिवर्सिटीज के जरिए ही उसको पूरा किया जाना संभव नहीं है. हम ये समझते हैं कि राज्य सरकारों को भी कहीं ना कहीं इस पर अपनी जिम्मेदारी को निश्चित करना चाहिए. मुझे उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को धन्यवाद देने का मेरा विचार है. और इस बात को लेकर विचार है कि उन्होंने अपने शासनकाल में तथागत गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी यानी तथागत गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना अपनी सरकार में करके उत्तर प्रदेश की जनता को यह संदेश दिया था कि नियत और अच्छी इच्छा अगर काम करने की है तो सीमित संसाधन में सीमित समय में भी एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है. तो मैं इस बात की तवक्को रखूंगा सदन में सरकार के माध्यम से आपके माध्यम से सरकार से कि वो प्रांतों की सरकारों को भी प्रेरित करें, वो केंद्रीय विभागों को भी और ज्यादा सशक्त करें ताकि इस तरह के विश्वविद्यालय खोलकर एजुकेशन के विकास के लिए कुछ ना कुछ आगे बात को बढ़ाया जा सके. माने मंत्री महोदय से एकाध आशंका जरूर व्यक्त करना चाहता हूं. बहुत सारे विश्वविद्यालय बनते हैं और बहुत सारे विश्वविद्यालय को बहुत सारे सेंटर्स को सरकार ने सेंटर के अधीन भी किया है. एक जरूर स्पष्टीकरण हम चाहेंगे कि क्या इस केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के उपरांत भारतीय संविधान में अंकित उपधाराओं के आधार पर रिजर्वेशन पाने वाले कैटेगरीज के बच्चों को एजुकेशन में और फैकल्टी में भी क्या बराबर रिजर्वेशन देने का प्रावधान रखा गया है? यदि हाँ तो उसका रेशो क्या है? अगर इस पे भी माननीय मंत्री महोदया
अपना विचार रखें तो शायद जो देश के आरक्षित वर्ग के लोग हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी वर्ग के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके मनसा को क्लियरिटी मिलेगी। और मेरा दूसरा सुझाव एक और भी मैं देना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में आज, महोदय एक छोटा सा समय चाहूंगा, पूरे देश में आज खास तौर से जो दलित समाज के बच्चे हैं, चाहे एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी वर्ग के लोग हैं, उनको समय से छात्रवृत्ति खास तौर से नहीं मिल रही है, उनके प्रवेश के लिए शुल्क जो गवर्नमेंट देती है वो भी नहीं मिल रहा है। आज करोड़ों दलित बच्चे प्रवेश लेने में असमर्थ हैं। तो माननीय मंत्री महोदया, इस बात पर भी विचार करें, इस बात का भी जवाब दें कि पूरे भारतवर्ष के कितने ऐसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स बच्चे हैं जिनको अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिल सकी है। और तीसरी बात कहकर महोदय मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। महोदय, चूंकि आज बहुत सारे बच्चों के सामने ये संकट है कि उनको प्रॉपरली एजुकेशन नहीं मिल रही है, मैं चाहूंगा कि विश्वविद्यालय आप खोलें, नाम जो भी आप रखें, लेकिन ये सुनिश्चित करें कि भारतीय संविधान में अंकित रिजर्वेशन की परिभाषाओं को पूरा किया जाए, और जो दलित छात्र अभी बिना छात्रवृत्ति के पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं उनको भी पूरा कराने पर विचार किया जाए। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।